सोफी हरी अप, अभी हमें कमर्शियल शूटिंग में जाना है। 2 बजे वॉच कार वीकली मैगजीन की शूटिंग और फिर 5 बजे सेफ्टी कैंपेन इवेंट और फिर उसके ठीक बाद टीवी शो की एंकरिंग है, इसलिए स्क्रिप्ट अभी से पढ़ लो। बट मैंने अभी शूटिंग खत्म की है, क्या मुझे थोड़ा ब्रेक मिलेगा? तुम कार में रेस्ट कर सकती हो, अब ऐसी बातें मत करो और चलो। एक्सक्यूज मी, क्या आप सच में सोफी हैं? हाँ, ये सोफी है, ये वही है। क्या मुझे ऑटो ले लूं? सॉरी बट हमारा कुछ शेड्यूल है, अब हट जाओ। बस 1 सेकंड लगेगा, एक ऑटोग्राफ नहीं, एक पिक्चर। हाँ, एक फोटो प्लीज, प्लीज एक फोटो, एक फोटो दे दीजिए प्लीज। प्लीज पीछे हट जाइए, ये एक चांस है। हे लूसिया, बस एक फोटो प्लीज, कम ऑन, बस एक फोटो, बस एक ऑटोग्राफ। फिर से, जैसे ही मैं उससे नजरें हटाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हैया! एवान, आज हम आउटडोर प्रैक्टिस करेंगे। हेल्प, हेल्प, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। क्या हुआ? ओह प्लीज मेरी मदद करो, वो लेडी मुझे किडनैप करना चाहती है, प्लीज हेल्प। क्या ये वो किडनैपर है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वाओ, ये कितना स्वीट है, बिल्कुल मेरे टाइप का। सोफी, हम शेड्यूल से बहुत पीछे हैं, चलो अब। पर मुझे नहीं जाना, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। कम ऑन सोफी, ऐसा मत करो, यहाँ आओ अभी। अब वही रुक जाओ। वाओ, ये कितना ब्रेव और हैंडसम है। मुझे बहुत डर लग रहा है, हेल्प मी प्लीज, मत जाओ। सोफी स्टॉप दिस नॉनसेंस, वो बोल रही है कि वो तुम्हें नहीं जानती। क्या मुझे नहीं जानती? मैं उसकी मैनेजर हूँ, मैनेजर। मैनेजर मतलब, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता सच में। सोफी, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम यही करती रही तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आई डोंट बिलीव इट, तुम टीवी नहीं देखते? ये सोफी है द एक्ट्रेस, मैं उसकी मैनेजर हूँ, ये नाटक है। एक एक्ट्रेस, पर अभी तो वो सोफी, फिर से नहीं। नो, फिर से फेल। हमें माफ कर दीजिए सर। तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। तुम्हें मेरे लिए ये वॉच कार्ड लूसिया को लेकर आना है अभी। लूसिया? टॉप स्टार सोफी की वॉच कार्ड? हमें सोफी से मिलने का मौका मिलेगा और मैं उसके ऑटोग्राफ भी लूंगा। स्टूपिड, सॉरी मास्टर। रॉबी यू फूल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। लूसिया का सुपरसोनिक अटैक लोगों को सुनाई नहीं देता, पर वॉच कार्स को दर्द जरूर देता है, बिलीव मी। और इस टेक्नोलॉजी को मॉन्स्टर वॉच कार्स में अप्लाई करके हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इस बार तुम्हें उसे लाना ही होगा, मिशन पूरा करो नहीं तो नहीं बचोगे। फ्रीडम, कितना टाइम हो गया था, दुनिया की सारी अच्छी आइसक्रीम खा जाऊंगी मैं, राइट लूसिया?
पूरे दिन मुझे सुनना पड़ता है ये करो वो नहीं, बस वही करो जो वो चाहती है। एक लड़की को खेलने का राइट है और बॉयफ्रेंड बनाने का भी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ओ हाँ, वो लड़का जो वहाँ मिला था वो कितना प्यारा था, क्या मैं उससे फिर से मिलूंगी? क्या सच में आप वो पॉपुलर स्टार सोफी हैं? आप तो वही हैं। हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं। मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ, आई स्वेयर टू गॉड। सोफी, आपका ड्रामा, मूवीज और म्यूजिक सब कमाल है। सबसे फेमस एक्ट्रेस सोफी हमारे सामने है। जिस चीज में भी आप होती हैं, उसकी रेटिंग्स सबसे हाई होती हैं। आप वही सोफी हैं? हाँ। और जब अभी मैंने आपको देखा, आप कितनी क्यूट और प्रिटी हैं। क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? ओह, श्योर, नो प्रॉब्लम। लो, मैंने साइन कर दिया। ओह, मुझे सोफी का ऑटोग्राफ मिल गया। माय गॉड, माय गॉड। क्या आप यहाँ भी साइन कर देंगी? यहाँ पर? और क्या यहाँ पर भी? ओ, तो फिर ये। मेरा बॉट। ओह वेट, ये सब तुम क्या कर रहे हो? सॉरी सुपरस्टार, बट हमें ये वॉच कार लेके जानी होगी। हैव अ नाइस डे। ऑटोग्राफ के लिए थैंक्स सोफी। मैं आपका नंबर वन फैन हूँ पूरी दुनिया में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। ये तो वो लोग हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज हेल्प। उन्होंने मेरी वॉच कार लूसिया को चुरा लिया है। क्या सच में? उनका पीछा करो इवान। लूसिया, साइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। उससे कुछ नहीं होगा, वो इतनी फास्ट कार का पीछा कैसे कर सकता है? स्टुपिड, मुझे पकड़ कर दिखाओ लूजर। गुड इवान, हम उन्हें पकड़ लेंगे। ओह नो, ये तो वही है, ये कैसे हो सकता है? हाँ? उसको ये नहीं पता कि उसे कब क्विट करना है। चलो देखते हैं कौन फास्टर है। शो शुरू करो रॉबी। वो बच्चा हमें लगातार फॉलो कर रहा है। इवान, ये हमारा चांस है। स्टील कैनन फायर। लूसिया, लूसिया,
सोफिया क्या तुम ठीक हो? थैंक यू। मेरी सुंदर पतली कमर। आओ शैतान बच्चों, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूँ। मॉन्स्टर वॉच कार्स अटैक करो। तुम पीछे रहना। इवान, चलो उन्हें मजा चखाए। वाव, ये कितना ब्रेव और क्यूट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान खराब करने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी जिससे ये दोबारा ना हो। वॉच कार को किडनैप कर रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तैयार हो जाओ शैतान बच्चे। लेजर वल्कन ये कुछ नहीं है, माइक्रो मिसाइल फायर। फायरबॉल फायर। ये तो वही लड़का है, ये कितना क्यूट है। इसे वापस मिलना कोई तो बात होगी। हाँ, रॉबी वो अब अकेला है, चलो उसे अटैक करें। चलो इस पर हमला करते रहो। जंप अटैक। ये बहुत सारे हैं, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ये कैसा लगा तुम्हें? हमला करते रहो, हमला करते रहो, अटैक करो। वो अकेले नहीं कर पाएगा, लूसिया चलो उसकी हेल्प करें। ये क्यों कर रही है रॉबी? ये लो, मैं दिखाती हूँ। अल्ट्रासोनिक वेव फायर। हाँ, क्या? तो ये है अल्ट्रासोनिक वेव अटैक। उसे खड़े क्यों हो? अटैक करो। लेजर वल्कन। तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो? बहुत अच्छे, ये सही मौका है अटैक करने का। इवान, फायरबॉल फायर। पीछे हटो। अरे नहीं, हम फिर हार गए। मैं तुम्हें अगली बार नहीं जाने दूंगी। वो ये तो कमाल है, तुम सोफी जैसी सुपरस्टार से ऐसे ही टकरा गए। और हाँ, सोफी सैम की अगली ओपोनेंट भी है, ये किस्मत ही है। चाहे ये मेरा कंपेटिटर है, फिर भी सैम जैसे दुनिया के सबसे हैंडसम बॉय के साथ होना कितना अच्छा है। सुनो, ऐसा है, मैं क्या तुम थोड़ा दूर हो सकती हो? ओह, तो तुम्हें गर्मी लग रही है, मैंने भी यही सोचा था। वाटर। आपकी सर्विस में वाटर। नहीं नहीं, एक सुपरस्टार को सिर्फ इसके साथ पीना चाहिए। थैंक यू। ये लो सैम, तुम्हारे लिए ठंडा पानी। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए।
क्या ये पानी सैम के लिए था? कमॉन एक सिप तो ले लो, तुम्हें गर्मी लग रही है मैंने सुना था। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए किया था। How dare you? तुमने सोफी को रुलाया? क्या तुम्हें झगड़ा करना है? बोलो सैम। सैम तुम हमारी सुपरस्टार के साथ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कितनी अकेली हूँ, कोई मेरे साथ खेलता नहीं था, इसलिए मैं हमेशा अकेली थी। पर मैं सैम से मिलके बहुत खुश थी, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया। सोफी तुमने कुछ गलत नहीं किया, सच में। सैम माफी मांगो उससे। हाँ अभी माफी मांगो। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था। मैं ये सब और नहीं सुन सकती, जरा देखो खुद को। ये क्या हो रहा है? सोफी! रे रे रे, रुको एक सेकेंड, तुम कौन हो जो हमारे स्टोर में घुसी चली आ रही हो? मैं सोफी की मैनेजर हूँ। सोफी, टीवी शो की शूटिंग का टाइम हो गया है, अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये हो क्या रहा है? छोड़ दो, इसने शूटिंग मिस कर दी। छोड़ो। ओह गॉड, बस करो अब। आप जरूर शूटिंग डिले कर सकती होंगी, है ना? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, चलो अब। मुझे नहीं जाना। सोफी, ये नकली रोना है, मैं कह रही हूँ, एक एक्ट्रेस है क्या तुम लोग भूल गए हो? तुम्हें क्या मतलब है? You ugly alien. क्या? ये सच में एलियन है? हाँ, आयशा थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ, खुद को संभालो, ये एक स्टार है, यू नो। स्टार हो या जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझसे जेलस हो? क्या मैं जेलस हूँ तुमसे? सच में? Well, ugly girls pretty girls से jealous होती हैं और पेट पीछे बातें करती हैं। मेरे कल की न्यूज आर्टिकल में एक मीन कमेंट था, कहीं वो तुमने तो नहीं किया था? क्या 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 कहा तुमने? हाँ, मुझसे पंगा मत लो। तुमको लगता है मैं डर जाऊंगी? You ugly alien! तुम तो गई! स्टॉप! तुम मेरी प्यारी सोफी के साथ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, शूट शुरू होने वाला है और इसका चेहरा तो खराब हो गया। तुम्हें दिखता नहीं तुमने क्या किया? मेरी आंख देखो, तुम यहाँ से अभी निकल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें और मारूं। बिल्कुल नहीं, मैं सैम के पास रहूंगी, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम कल का गेम जीत गई तो सैम तुम्हारा। पर हाँ, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, कैसी रहेगी? ये इसकी जगह तुम मुझे रख लेना। हाँ मुझे भी। तुम लोग नहीं? ठीक है, फिर सैम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं गेम में जरूर जीतूंगी। जरा रुको, किसने कहा मेरे ऊपर शर्त लगाने को? हाँ तुम्हें लगता है तुम नहीं जीतोगे? अगर तुम जीत गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बिल्कुल जीत सकता हूँ, पर बात यह है कि। गुड, पर तैयार हो जाओ। हाँ, तुम बहुत पछताओगी, क्योंकि गेम तो मैं ही जीतूंगी। मैनेजर चलो। सोफी, ये लड़कों के पीछे भागने का टाइम नहीं है, कल का मैच बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजर्स तुम्हें देख रहे होंगे। डोंट वरी, कल मैं ही जीतूंगी, देख लेना। हाँ, ऐसे सैम मेरा हो जाएगा। मैंने ये पहले देखा है और ये अमेजिंग है।
ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसान के कान डिटेक्ट नहीं कर सकते और इसका वॉच कार्स पे बड़ा असर होता है। ये बहुत बुरा है, कुछ करो वरना तुम कल का गेम हार जाओगे। चिंता करने की क्या बात है, मैंने सब प्लान कर लिया है, भरोसा रखो मैं संभाल लूंगा। ये देखो, ये है फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, इससे तुम लूसिया के सारे अटैक ब्लॉक कर सकते हो चाहे वो किसी भी एंगल से हो। ये ब्रिलियंट है। वाओ नारी, तुम कमाल हो, तुम ग्रेट हो, लेकिन ये काम कैसे करता है? मैं समझाता हूँ। पहले समझो कि साउंड वेव्स काम कैसे करती है। साउंड वेव बेसिकली एयर वेव्स होती है और हर चीज के अपने अलग नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगर तुम वेव फ्रीक्वेंसी को ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी से जोड़ दो तब होता है रेजोनेंस। इस फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर के जरिए हम लूसिया की फ्रीक्वेंसी का पता लगाएंगे, फिर हम वैसी ही फ्रीक्वेंसी रेप्लिकेट करेंगे जिससे लूसिया की डिवाइस ब्रेक हो जाए। मुझे लगता है मैंने आसान तरीके से समझा दिया है, तो क्या तुम समझ गए? हाँ? ये कुछ ही सेकंड्स में कैसे सो सकती है? वाओ, ये तो सच में देखने लायक था। मैडी, तो तुम्हें लूसिया की फ्रीक्वेंसी पता चल गई? वो उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये तभी पता चल सकता है जब तुम कम से कम 10 बार उससे हिट हुए हो। क्या इससे कोई हेल्प नहीं होगी? एक अल्ट्रासोनिक अटैक से ही मैच खत्म हो जाएगा। मैडी मैडी, तुम क्या, तुमने ये सोफी के लिए बनाया है? हम इसका क्या करेंगे? हाँ, बस थोड़ी मार ही तो खानी है सेलेना। मैच के बाद पता चलने से क्या फायदा? मैं बेवकूफ था जो तुम पे भरोसा किया।